गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि खड़गे जी को बधाई देता हूं। बकरा ईद पर तो बच गया है, मुहर्रम में कितना नाच पाते हैं देखने वाली बात होगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ पहले यह बताएं, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले विधायक आपके थे तो छोड़कर चले क्यों गए? कमलनाथ के नेतृत्व पर ही उंगली उठती है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए कांग्रेस की बैठक पर कहा कि अच्छी बात है, राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस के नेता एक साथ तो बैठ रहे हैं, वरना इनको एक साथ करना ही मुश्किल है। मिश्रा ने पीएफआई मामले पर कहा कि 12 पहले से थे, प्रोटेक्शन वारंट पर नासिर नदीमी को औरंगाबाद से लाया गया है, महाराष्ट्र और गोवा के साथ दूसरे राज्यों से संपर्क में है और लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले तो कमलनाथ जी ये बताएं कि तुम्हारे नेतृत्व में छोड़ कैसे गए वो? आपके नेतृत्व में उंगली उठ गई ना ये तो, और जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो आगे कहां से बनाएंगे? जो सरकार बनी बनाई थी, जनता इन बातों को समझती है कि आप चला पाए नहीं हो, और इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। 15 महीने के शासन को जनता ने भोगा है, देखा नहीं है, भोगा है, ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? इसी राहुल गांधी के ही बहाने इकट्ठे तो बैठ रहे हैं, नहीं तो इनको इकट्ठा करना ही बहुत कठिन है। 12 पहले से हमारे पास थे, प्रोडक्शन वारंट के तहत नासिर नदवी जी को औरंगाबाद से लेकर आए हैं, 27 अक्टूबर तक की रिमांड अदालत से उनकी नासिर नदवी की ली गई है, दूसरे राज्यों से भी इस संबंध में संपर्क में है, हमारी मध्य प्रदेश पुलिस महाराष्ट्र पुलिस से लगातार संपर्क में है। नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि अपना सौभाग्य मानता हूं, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को गुजरात के बनासकांठा की जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, गुजरात का वैभव पूरे देश में चमक रहा है और चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी, गुजरात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुनव्वर कौशल की फिल्म पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं दिया, देश की जनता सब समझती है, ऐसी फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने वैशाली ठक्कर मामले में बताते हुए कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी कल हो गई है, मोबाइल डिवाइस को जब्त कर लिया गया है, डाटा को रिकवर किया जा रहा है, कार्रवाई में तेजी आएगी। मिश्रा ने लिव इन रिलेशन पर कहा कि लिव इन को लेकर जो बयान आया है उसे मैंने भी पढ़ा है, और इन मामलों में अधिकतर यह देखा गया है कि लोग बाद में बयान बदल देते हैं, इसलिए मामला दर्ज करने से पहले अब पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की तह में जाएगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने फर्जी आधार कार्ड मामले पर कहा कि विषय संज्ञान में आया है, यह पूरा मामला ऐशबाग थाना क्षेत्र का है, जांच के लिए बोला गया है। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं कि बासनकाठा की मुझे गुजरात में जिम्मेदारी दी है। गुजरात ने हमें वैश्विक नेतृत्व भी दिया है, और उनके आभा मंडल के प्रकाश में वैसे भी देश और गुजरात दमक रहा है, वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आरोपी की गिरफ्तारी कल शाम को हो गई है, जो आरोपी हैं उनकी डिवाइस मोबाइल ये सब जब्त कर लिए, जिनसे वो मैसेज करते थे, डाटा को रिट्रीट कर रहे हैं हम, और पूरी की पूरी जानकारी डाटा के द्वारा उनकी लेने की है कि इनकी कहां कहां और कितनी गलती थी, और उसके हिसाब से अब कार्रवाई लगातार बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।